हम आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन पर, कि कौन से फैक्टर्स हैं जो डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं कि कितना डिविडेंड हमें देना है। सबसे पहले है अर्निंग। डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ करेंट एंड पास्ट अर्निंग, देयरफॉर अर्निंग्स आर अ मेजर डिटरमिनेंट ऑफ द डिसीजन अबाउट डिविडेंड्स। तो नॉर्मल सी बात है कि हम डिविडेंड अपने करेंट और पास्ट ईयर की अर्निंग को मद्देनज़र रखते हुए ही देंगे कि हम कितना दे सकते हैं। तो अर्निंग आर अ मेजर डिटरमिनेंट ऑफ द डिसीजन अबाउट डिविडेंड। तो अर्निंग सबसे मेजर डिटरमिनेंट है डिसीजन लेने का कि कितना हमें डिविडेंड देना है। सेकेंड है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अ कंपनी हैविंग स्टेबल अर्निंग इज इन अ पोजिशन टू डिक्लेयर हायर डिविडेंड। एज अगेंस्ट दिस, अ कंपनी हैविंग अनस्टेबल अर्निंग इज लाइकली टू पे स्मॉलर डिविडेंड। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग भी बहुत मायने रखती है। जैसे अगर किसी कंपनी को यकीन है कि उसे इतना डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, तो वो हायर डिविडेंड देती है, हायर पोजीशन पे डिविडेंड देती है। अगर उसकी स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग स्टेबल रहती है तो। लेकिन अगर किसी कंपनी की अर्निंग अनस्टेबल है तो वो स्मॉलर डिविडेंड पे करती है, क्योंकि उसे किसी समय ज़्यादा भी प्रॉफिट हो सकता है और किसी समय कम भी हो सकता है। मतलब उसकी अर्निंग अनस्टेबल है, इसलिए वो स्मॉलर प्रोपोर्शन में डिविडेंड देती है। तो ये फैक्टर भी डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करता है। थर्ड है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स। इट हैज़ बीन फाउंड दैट द कंपनीज जनरली फॉलो अ पॉलिसी ऑफ स्टेबलाइजिंग डिविडेंड पर शेयर। तो ये कंपनी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना डिविडेंड देगी पर शेयर के ऊपर। अगला है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। कंपनीज हैविंग गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज रिटेन मोर मनी आउट ऑफ देयर अर्निंग्स सो एज टू फाइनेंस द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट। इसमें बताया गया है कि अगर कोई कंपनी नए प्रोजेक्ट पे काम करने का सोचती है फ्यूचर में, कि अगर उसे लगता है कि उसे फ्यूचर में ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, तो फिर वो अपने डिविडेंड को बढ़ा देती है ताकि लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करें उसकी कंपनी के शेयर्स में, ताकि वो आगे के जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है उसमें इन्वेस्ट कर सके। तो ये है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, जो कि एक फैक्टर है अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। अगला है कैश फ्लो पोजीशन। डिविडेंड्स इन्वॉल्व एन आउटफ्लो ऑफ कैश। अ कंपनी मे बी प्रॉफिटेबल बट शॉर्ट ऑन कैश। अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ कैश इन द कंपनी इज नेसेसरी फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बाय इट। तो कैश फ्लो पोजीशन भी बहुत मायने रखता है किसी भी कंपनी को डिविडेंड अगर देना है तो, क्योंकि कोई भी कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती है, लेकिन अगर उसमें कैश की कमी हो जाए, अगर वो उसके पास कैश की कमी हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ कैश इन द कंपनी इज़ नेसेसरी। कंपनी के पास इनफ कैश होना चाहिए ताकि वो डिविडेंड दे सके। ये कैश फ्लो पोजीशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिविडेंड डिसीजन का। नेक्स्ट आते हैं शेयर होल्डर प्रेफरेंस पर। व्हाइल डिक्लेयरिंग डिविडेंड मैनेजमेंट यूजुअली कीप इन आई माइंड द प्रेफरेंस ऑफ द शेयर होल्डर्स इन दिस। तो शेयर होल्डर जो है वो डिविडेंड शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिल वो मैनेजमेंट उनके प्रेफरेंस के हिसाब से देता है कि उन्हें कितना देना चाहिए, या शेयर होल्डर की आशाएं कितनी है उस कंपनी से। नेक्स्ट आते हैं टैक्सेशन पॉलिसी पर।
The choice between payment of dividend and retaining the earning is to some extent affected by difference in the tax treatment of dividends and capital gains. तो टैक्स पॉलिसी भी डिविडेंड को बहुत तरीके से अफेक्ट करती है. जैसे अगर टैक्स रेट ज़्यादा होगा तो डिविडेंड कंपनी कम देना चाहेगी शेयर होल्डर्स को. नेक्स्ट आ जाते हैं स्टॉक मार्केट रिएक्शन पर. इन्वेस्टर्स इन जनरल व्यू एन इंक्रीज इन डिविडेंड एज गुड न्यूज़ एंड स्टॉक प्राइसेस रिएक्ट पॉजिटिवली टू इट. Similarly, a decrease in dividend may have a negative impact on the share prices in the stock market. जैसे अगर किसी शेयर होल्डर को लगता है कि उसे इस डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा तो वो ज़्यादा स्टॉक खरीदता है, जिसके मुताबिक ज़्यादा स्टॉक खरीदने की वजह से उसके प्राइसेस हाई हो जाते हैं. और अगर उसे इस अगर दूसरे केस में देखा जाए, अगर उसे कम डिविडेंड मिलता है तो दूसरी जगह उसके स्टॉक के प्राइसेस घट जाएंगे क्योंकि उसकी डिमांड कम हो जाएगी. अगर उसे दूसरी तरफ कम डिविडेंड मिलता है तो स्टॉक मार्केट का रिएक्शन भी इफ़ेक्ट करता है डिविडेंड डिसीजन को इस तरीके से. अगला है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट. Large and reputed companies generally have easy access to the capital market and therefore may depend less on retained earnings to finance their growth. These companies tend to pay higher dividend than the smaller companies which have a relatively low access to the market. तो जो large and reputed companies हैं उन लोगों को ईजी एक्सेस होता है कैपिटल मार्केट पर, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा डिविडेंड देते हैं. और जहाँ तक बात है स्मॉलर कंपनीज़ की, वो लोग कम डिविडेंड देते हैं क्योंकि उनका एक्सेस टू मार्केट मतलब मार्केट तक पहुँच थोड़ी कम होती है. अगले आ जाते हैं लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स में, मतलब कानूनी बाधाएं. सर्टन provisions of the Companies Act place restrictions on payout as dividends. Such provision must be adhered to while declaring the dividends. तो certain provisions of the Companies Act मतलब Companies Act को legally एक certain provision या फिर एक certain dividend एक certain percentage पे देना पड़ेगा शेयर होल्डर को. नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट्स. वाइल ग्रांटिंग लोन्स टू अ कंपनी समटाइम्स द लेंडर मे इम्पोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन फ्यूचर. तो जब किसी भी कंपनी को लोन दिया जाता है तो वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं पेमेंट पे, पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स में फ्यूचर में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं जब वो लोन ग्रांट करते हैं लेंडर्स कंपनी को. तो ये है हमारे सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन.